आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पैराशूटिस्ट है, वो किसी अपना एरोप्लेन होगा उस पे से जंप किया और जंप करने के बाद 50 मीटर वो ट्रेवल किया बिना किसी फ्रिक्शन के। कहने का ये मतलब है कि वो अंडर द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसके इन्फ्लुएंस में 50 मीटर फॉल किया है, पहला 50 मीटर। व्हेन पैराशूट ओपन्स, और जब वो पैराशूट अपना खोल लेता है, इट डीएक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बंदा, ये पैराशूटिस्ट डीएक्सेलरेशन करता है, रिटार्डेशन उसे देखने को मिलती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, क्योंकि अब पैराशूट उसका खुल चुका है। ही रीचेस द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वो जमीन पर जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड होती है। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, तो हमें बताना है कि किस हाइट पर उस पैराशूटिस्ट ने अपना जंप लगाया होगा, बाहर निकला था अपने प्लेन से। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है कि मैं मान लेता हूँ कि अभी जो ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, तो अपने हाइट का जो पहला 50 मीटर था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव किया है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। मैं इस वाले पॉइंट पे जब 50 मीटर कवर किया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी को वी मान लेता हूँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ से हम लोग को v मिल जाएगा। v इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 50। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 2 यानी कि 1000। ठीक है, ये g की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 ले ली है। अगर मैं g को एक टर्म्स में इसको लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 100g। ठीक है, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 100g, या फिर आप इसको कह सकते हो 10√g। ठीक है, ये हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, अगली जो मोशन हमें देखने को मिलेगी उसमें कितनी हाइट कवर किया गया उसको मैं h मान लेता हूँ। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो हमें पता है, जैसे ग्राउंड पे पहुंचा उस टाइम की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये जो जर्नी था उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये v हो जाएगी। तो अब फिर से इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर अब नहीं रहा, ग्रेविटी के इक्वल नहीं है, अब ये रिटार्ड कर रहा है, इसका मोशन जो है नीचे की ओर अब एक्चुअली माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पैराशूट खुलने के कारण। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग यू स्क्वायर प्लस 2ah से रिप्लेस कर देते हैं और जो एक्सेलरेशन है वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 10√g, और इसका स्क्वायर 100g हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100g प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है माइनस 2, और हाइट हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100g माइनस 9, और फिर यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी h की वैल्यू, ये आ जाएगी 25g माइनस 9/4। अब 9/4 को हम लोग 2.25 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस इतना, मतलब कि 250 माइनस 2.25, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
हमारा 247.75 के आसपास आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जी के भी वैल्यू में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जी का वैल्यू 9.8 न रख के 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एच का वैल्यू आ गया। अब हमें बताना है कि टोटल कितना हाइट से वो पैराशूटिस्ट जंप किया था, ठीक है। तो पहला 50 मीटर तो ट्रेवल कर चुका है और बाकी का एच मीटर, मतलब एच प्लस 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एच प्लस 50 जो है वो कितना हो जाएगा, 297.25 मीटर हो जाएगा, ये हमारा टोटल हाइट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन, हमारा चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 रखते तो अराउंड यही वैल्यू आपको मिलती। मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया था इसलिए मेरी वैल्यू 297.75 आई है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।